नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, हम अपने देश में अगर एक कॉमन चीज नोटिस करें तो हर घर में दाल रोज बनती है। अब रोज दाल बनेगी तो लोग बोर भी होंगे ना, तो इसलिए बोरियत हटाने के लिए आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया सी राजस्थानी दाल जिसका नाम है दाल पंचमेल। 5 दालों के मिश्रण से ये दाल बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। ट्रस्ट मी, इस दाल के साथ आप बाटी बनाइए, रोटी बनाइए, मंगोड़ी पुलाव बनाइए, चावल बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए बनाते हैं बढ़िया राजस्थानी दाल पंचमेल। दाल पंचमेल यानी कि 5 दालों का मिश्रण। अब ये 5 दालें कौन कौन सी हैं? इक्वल क्वांटिटी ऑफ अरहर दाल, चना दाल, हरी मूंग की दाल जो दली भी होती है, छिलके वाली होनी चाहिए लेकिन दली भी होनी चाहिए, साथ में लाल मसूर की दाल और मूंग की दाल। इन 5 दालों को इक्वल क्वांटिटी में एक साथ मिक्स किया जाए, बढ़िया से वॉश किया जाए, फिर इसको कुकर में पका लेंगे। अब ये 5 दालों को अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 बार धो लिया जाए। अब एक प्रेशर कुकर में इसे डालेंगे और इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे आप उबाल लेंगे। अब क्योंकि इसके अंदर चने की दाल है इसलिए 3 से 4 सीटी से देनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी दालें तो यूं पक जाती हैं 2 सीटी में, तो 3 से 4 सीटी इसे देंगे फुल आंच पे। टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर 5 दाल एक साथ उबालनी है और सबको एक जैसा उबालना है तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली दाल है ना उसकी सीटियों के हिसाब से दाल को पकाया जाएगा। बाकी दालें थोड़ी सी मैशी होंगी लेकिन वाली दाल पूरी तरह से पकनी चाहिए, राइट? अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर चने की दाल जो है वो 4 से 5 सीटी में पकती है, तो पूरी दालें 4 से 5 सीटी में ही पकेंगी, बाकी जो दालें हैं थोड़ी सी घुल जाएंगी, जो मोटी दालें हैं वो खड़ी रहेंगी। देखो, दाल पंचमेला जो है वो उबल चुकी है, अब इसका तड़का जो है वो बहुत अमेजिंग तरीके से लगेगा। अब लगाते हैं दाल में बढ़िया सा तड़का। सबसे पहले तेल या घी, ये आपके ऊपर है क्योंकि घी लास्ट में जाने वाला है, उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच सौंफ। ये सौंफ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दाल पंचमेला के तड़के में। साथ में जाएगा 1 छोटा चम्मच हींग, अब हींग का स्वाद काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर, साथ में ये लाल मिर्ची। अब जैसे ही ये मसाले थोड़े से पकें इसमें चॉप किया हुआ प्याज, प्याज के साथ साथ ही यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच लहसुन, ये भी पका लिया जाएगा। बेसिकली प्याज और लहसुन को अच्छे से भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर आएगा मज़ेदार टेस्ट। जैसे ही प्याज और गार्लिक हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा उस समय हम डालेंगे चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और जिंजर। ये किसी भी दाल में डालो बहुत टेस्टी लगता है। अब इस स्टेज पे डाला है तो स्वाद अलग आएगा, लेकिन अगर आप लास्ट में डालेंगे यानी कि दाल उबल चुकी है, तड़का लग चुका है, लास्ट में हल्का सा अदरक और हरी मिर्च डालेंगे, साथ में नींबू डालेंगे, तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स हर दिन दाल को अलग बनाने का। अब प्याज, गार्लिक, अदरक, लहसुन सब भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को 2 से 3 मिनट भूनना है। उसके बाद डालेंगे सूखे मसाले, इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर 2 चम्मच। अब ये धनिया का जो स्वाद है हींग के साथ मिलके बहुत स्वादिष्ट टेस्ट देगा। अब इन सूखे मसालों को बस पकाना है जब तक टमाटर पक नहीं जाता है। अब ये दाल पंचमेल जब आप बनाएंगे ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला स्टेप है, टमाटर अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए, और अगर भुना नहीं होगा, कच्चापन आएगा टमाटर का, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। टमाटर को अच्छी तरीके से पकाने के लिए हल्का सा पानी मैंने डाला है ताकि सूखे मसाले जो हैं वो जले नहीं और टमाटर भी अच्छी तरीके से पक जाए।
अब इस तड़के में डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये इसे एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी। अब ढाबों में जाएं आप चाहे किसी घर पे, ये जो दाल पंचमहल बनती है इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अब ये तड़का ऑलमोस्ट तैयार है, दाल बढ़िया से उबल चुकी है, अब इसे तड़के में डाल के पकाना है। अभी जो दाल है इसमें ना हल्की बॉडी आती है, यहाँ पे तो दाल पानी वाली है तो दाल और पानी अभी अलग हैं, लेकिन दाल को बॉडी देने के लिए ताकि वो बाटी के ऊपर अच्छे से बिल्कुल फैल जाए, मज़ेदार हो जाए, या रोटी के साथ या चावल के साथ, तो उसके लिए थोड़ी सी दाल निकाल लेंगे और उसे हल्का सा कड़छी से ही मैश कर लेंगे। ये दाल थिक हो जाएगी और फिर उसके बाद बाकी दाल इसमें डाल के बढ़िया से उबाल दे देंगे। अब इधर दाल जो है ना बढ़िया से उबाले मार रही है, ये देखिए बढ़िया से थिक भी हो गई है, पहले पानी वाली दाल थी अब थोड़ी सी थिक हो गई है, मज़ेदार लग रही है, टेस्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है। दाल बढ़िया से उबल चुकी है, अब ये दाल पंचमहल बेस्ट इंजॉयड विद बाटी है ना, ट्रेडिशनल एक्म्पलीमेंट, अगर नहीं तो चावल, नहीं तो पुलाव, नहीं तो रोटी, नहीं तो पराठा, किसी के साथ भी जाएगी। बहुत अमेजिंग दाल है, राजस्थानी टेस्ट कूट कूट के भरा हुआ है। फाइनल फिनिश मत भूलना, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा घी, जी हाँ ये दोनों बहुत ज़रूरी, थोड़ा सा धनिया डाला जाए लास्ट में फ्रेश स्वाद के लिए, और घी ये बहुत ज़रूरी है। अब जो घी की खुशबू दाल में फैलेगी धनिया के साथ वो इसे और एक्साइटिंग बना देगी। ओए होए होए, लुक एट दैट, दाल पंचमहल तैयार है, लेकिन ना ये अकेली है, दाल के साथ बाटी होनी ज़रूरी है, चूरमा होना ज़रूरी है। जल्दी आ रही है दाल बाटी चूरमा की रेसिपी, बने रहिएगा। पांच दालों का ये मिश्रण यानी कि दाल पंचमहल तैयार है, राजस्थान से आपके लिए सीधा परोस रहे हैं। वेल, ये टिपिकल राजस्थानी रेसिपी है, ये मैंने अपने ट्रैवल्स में जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, कई जगह पे सीखी है और फिर एक रेसिपी बनाई है, क्योंकि कुछ जगह सौंफ डालते हैं, कुछ जगह नहीं डालते, कुछ जगह कसूरी मेथी डालते हैं, कुछ जगह नहीं डालते, इनफैक्ट जोधपुर में कुटा हुआ धनिया भी डालते हैं। अब ये सारे नुआंसेज हैं, एक ही दाल की कई रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दाल पंचमहल बिल्कुल तैयार है, अब बाटी का इंतज़ार हमें भी रहेगा, आपको तो रहेगा ही रहेगा। चलिए दाल बाटी चूरमा भी बनाएंगे, लेकिन आज दाल बना दी है तो इसे चावल दाल या पुलाव किसी के साथ भी एंजॉय करिए, बहुत सही रेसिपी है दाल पंचमहल फॉर यू गाइस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए और परिवार में जुड़ जाइए। द बिग डैडी शेफ कुक बुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।